सामने थोड़ा आया हूँ यार, कैसे आना वहाँ पत्रकार हजरत। नहीं थोड़ा से बताओ ना, तो आप बता दो इतनी देरी क्यों कर दी किसानों के समर्थन में आने में। नहीं नहीं मैंने कोई देरी नहीं की, मैं अगर आप मेरे पिछले इंटरव्यू देखो और मैंने जो बात की है मैंने यही कहा है कि जब तक किसान हमारे जैसे आदमियों को स्टेज पे नहीं आने देंगे तो हम धक्का थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम किसानों के साथ हैं। और ये बात मैंने यहाँ भी कही और कल मैंने पत्रकार सम्मेलन में भी कही, और ये मैं मान के चलता हूँ कि इस लड़ाई में सिर्फ अब ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश इस लड़ाई में देशव्यापी एक आंदोलन है जिसमें किसान अपने मुख्य भूमिका अपने ये कहना कि आपके बेटे भी उतर सकते हैं इस तरह से आप आए हो। बेटे से पूछ रहा हूँ, आपके आने से पहले आपके आने पर मोदी मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे मिलेंगे आपके भाषण से पहले भी और जब आपके आने पर भी, किस नजरिए से देखते हैं किसानों के आक्रोश को? देखिए जब कोई आंदोलित होता है तो उसमें ये नहीं देखता, वो कहता है मेरा आंदोलन है किसके विरुद्ध, उन तीन कानूनों के विरुद्ध है ना, तो उनको गुस्सा तो होगा उसमें आपको या मेरे को, ये ढूंढना कि ये क्यों है, क्यों का मतलब नहीं है। कल मेरे मैं कोई काम कर देता हूँ तो लोग मेरे को भी कहेंगे वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, ये नहीं होता। बात यह है कि इस आंदोलन की मुख्य जो धारा है वो यही है कि जो कानून बने हैं उनसे हम शंका है हमारे को, हमारी शंका दूर की जाए और यही प्रयास हम भी चाहते हैं कि हो, क्योंकि कब तक बैठेंगे। आखिर में सभी चीज़ों का समाधान संवाद से, डायलॉग से निकलता है, और वो किसान भी चाहते हैं कि डायलॉग हो, तो उसमें जहाँ भी अड़चन है उसको अगर दूर करके इस आंदोलन को किसानों की संतुष्टि के आधार पे इसको सर अंजाम दिया जाए तो वो सबसे बड़ी बात होगी, वरना देश का बड़ा भारी नुकसान। चौधरी साहब, किसान चाहते हैं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए हैं वो सब इस्तीफा दे करके और किसानों को साथ दें। पहले तो आप जो कांग्रेसियों का दिलवाओ, फिर उनका दिलवाओ, अकालियों का दिलवाओ, ये नहीं, आप ये बात कोई एमपी आए ना उससे बोलना। मैंने ये जो ये कह रहे थे, मैंने 20 जनवरी 2020 को अपना इस्तीफा दिया था राज्यसभा की मेंबरशिप से, मेरे 3 साल बाकी थे, और मैंने ये कहा था कि मैं कोई दलगत राजनीति यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चुनावी राजनीति मैं नहीं करूंगा, और आज भी मैं यही बात कह रहा हूं। मैं इसीलिए आ गया, अगर मुझे चुनावी राजनीति करनी होती तो मैं नहीं आता। तो मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं 74 साल का हो गया, मेरी जितनी भी जिंदगी है अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन किसान की लड़ाई लड़ूंगा। और मैं तो ये भी चाहता हूँ किसान जब संपूर्ण बहुमत है तो वो खुद ही लड़े लड़ाई, ये पार्टियां शार्टियां अपने आप ही नहीं छुट्टी हो जानी। हाँ हम भी अगर बंट जाते हैं, मैं कांग्रेस में, मैं बीजेपी में, मैं इसमें, किसान जहाँ आंदोलन के लिए संगठित है इसी तरह राजनीति में अपने सत्ता लेने के लिए भी संगठित होगा तो एक नया दौर शुरू होगा। सरकार आड़ी रही तो क्या आप भाजपा से इस्तीफा दे देंगे क्या? कोई उम्मीद है? 24 दिन हो चुके हैं, आगे कोई सुनवाई होने की उम्मीद है? अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई, कई बैठक हो चुकी है, मुझे लगता मुझे ये लगता है कि किसी भी चीज का अंत जो है वो कहीं ना कहीं बातों से ही खत्म होती है। ये चीजें इनका बिना डायलॉग के, बिना संवाद के कुछ नहीं होता और आसार लगते हैं। राजनीतिक अनुभव है मेरा, मुझे आसार लगते हैं कि क्योंकि आपने देखा होगा जाट एजिटेशन जब हुआ था तब भी बहुत एडामेंट थे दोनों तरफ से, तब मुझे कहा गया कि भाई बैठ के बात करो, तो मैंने पूछा भाई मामला क्या है, आप आपस में क्यों नहीं बात करते, तो पता ये लगा कि ट्रस्ट का, विश्वास की कमी हो गई, सरकार को उनसे किसानों से विश्वास नहीं, किसानों को सरकार से नहीं। ये विश्वास बहाली होने पर, डायलॉग होने पे समस्या का समाधान होगा। आप जो आसार बता रहे हैं उसमें किसानों की जीत होगी या सरकार की? पक्की, किसानों की। और